हेलो एंड वेलकम टू मॉमीज प्राइड वंस अगेन। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि बेबी के लिए डायपर बैग कैसे रेडी करें। ऐसे तो ये बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक हो सकता है, हर किसी को पता है कि जब भी वो बाहर जा रहे हैं तो बेबी के लिए क्या नीड्स, बेबी की क्या नीड्स हैं, बेबी को क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो अभी न्यू मॉम्स बनी है, जिनके घर अभी अभी नन्ना सा बेबी आया है। उनको नहीं पता होता कि बेबी के लिए, अगर आप बेबी को लेके 3-4 घंटे के लिए दिन में बाहर जा रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। और बेबी अभी बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो उसके साथ, जितना आपका बेबी छोटा होगा उतना ही ज़्यादा आपको उसके साथ सामान कैरी करना होगा। तो डायपर बैग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो एक न्यू मदर के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़रूरी है। तो डायपर बैग में आप बेबी की नॉर्मल नीड्स को कैरी कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप 3-4 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेबी के लिए डायपर बैग में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आप दिन में आउटिंग के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी मदर्स के लिए है। इसमें आप देखेंगे कि मैं जब भी अपने बेबी को बाहर लेके जाती हूँ तो मैं क्या क्या तैयारी करती हूँ। तो बिना देर किए चलिए फटाफट से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सभी जाने वाली है मेरे डायपर बैग के अंदर। तो सबसे पहले एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो मैंने ली है यहाँ पे डायपर्स, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है छोटे बेबीज़ के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं 3-4 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे टोटल 4 डायपर्स लिए हैं। ऐसे तो बेबी का डायपर, एक डायपर अगर आप पहना रहे हो तो 3-4 घंटे चल जाता है, लेकिन अगर बेबी पूप कर ले तो पूप के केस में आपको इमिडिएटली डायपर चेंज करना होता है। और फिर भी फॉर द सेफर साइड मैंने यहाँ पर चार डायपर्स कैरी किए हैं। सेकेंड जो है वो मैंने लिए हैं मीमी के डिस्पोजल वाइप्स। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे, मीमी के जैसा आप सभी जानते हो बेबी के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन जो वाइप्स हैं, मैंने कई ब्रांड्स के वाइप्स यूज़ किए लेकिन मीमी के वाइप्स मुझे बेस्ट लगे, तो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। ये मीमी के वेट वाइप्स हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी फ्रेगनेंस भी बहुत ही अच्छी है और स्पेशली बेबी के लिए ही बनाए गए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये टोटल कुछ 72 वाइप्स का पैकेट है, जो कि ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ का आपको पड़ जाता है। थर्ड जो चीज़ मैंने ली है वो ली है यहाँ पर B4 डायपर रैश क्रीम। मैं जब भी अपने बेबी का डायपर चेंज करती हूँ तो मैं इसको, वो एरिया जो है उसको अच्छे से पहले ड्राई करके इसको अप्लाई करने के बाद ही दूसरा डायपर पहनाती हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने साथ कैरी करें, इससे डायपर रैश होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसी ब्रांड की डायपर रैश क्रीम यूज़ करें, जो ब्रांड आपके बेबी को सूट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर बेबी अपने आप में डिफरेंट होता है। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। इसके बाद मैंने लिया है ये डायपर चेंजिंग मैट, क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। आप जब भी डायपर चेंज करो तो बेबी को जहाँ पर आप लेटाओगे पता नहीं वो जगह कैसी हो, तो डायपर चेंजिंग मैट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेक्शन का। तो ये तो हो गया डायपरिंग सेक्शन। तो डायपरिंग सेक्शन में हमें 4 चीज़ों को लेना है, डायपर्स, वाइप्स, डायपर रैश क्रीम एंड डायपर चेंजिंग मैट्स। अब चलते हैं फीडिंग सेक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, फीडिंग सेक्शन में मैंने सबसे पहले लिया है एक हैंड सैनिटाइज़र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी बेबी का फीड बनाएं, इवन अगर आप घर पर भी हों तो आपके हाथ अच्छे से साफ़ और धुले हुए होना चाहिए, लेकिन अगर आप जब बाहर जा रहे हो तो हाथ धोने का पता नहीं वहाँ पे कैसा क्या हो पाए, तो इसीलिए आप ज़रूर ये कि हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करें अपने साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा मैंने लिया है ये मिल्टन का एक फ्लास्क, इसमें मैंने लिया है गर्म पानी फीड बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है फॉर्मूला मिल्क, फॉर्मूला पाउडर, जिसका हम तुरंत ही हम गर्म पानी में मिला के फीड बनाएंगे। तो ये एक एयर टाइट कंटेनर है, इसमें मैंने ये फॉर्मूला मिल्क लिया है। नेक्स्ट मैंने लिया है एक फीडिंग बॉटल, एक्चुअली ये 2 फीडिंग बॉटल है, एक मैं ऑलरेडी मैंने फीड बना लिया है रास्ते के लिए, तो 2 फीडिंग बॉटल आप ज़रूर लें। मैं यहाँ पे चीकू ब्रांड के फीडिंग बॉटल यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे फीडिंग बॉटल्स हैं, इनका जो निप्पल का जो शेप है वो मदर्स ब्रेस्ट से कुछ सिमिलर बनाया गया है, जिससे बेबी को गैस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं।
क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि जब बेबी फीडिंग लेता है स्पेशली बॉटल से, तो उन बेबीज़ को गैस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मेक श्योर करें कि आप किसी अच्छे ब्रांड का ही बॉटल यूज़ करें। तो ये हो गया हमारा फीडिंग सेक्शन। तो दो सेक्शन हमने कवर कर लिए, एक डायपरिंग सेक्शन, दूसरा फीडिंग सेक्शन। अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने दो पेयर ऑफ क्लोथ्स ले लिए हैं मेरे बेबी के लिए, इन केस बेबी बर्प करते समय अगर दूध निकाल देता है या कभी कभी वॉमिट हो जाती है, तो उस केस में आप बेबी के एक दो जोड़ी जो कपड़े हैं वो अपने साथ रखें। इसके बाद मैंने लिया है बेबी का ब्लैंकेट, क्योंकि बाहर यहाँ पर अभी थोड़ा ठंडा हो रहा है। अगर गर्मियाँ हैं तो आप बेबी को कवर करने के लिए कोई नॉर्मल कॉटन क्लोथ भी यूज़ कर सकते हैं या कॉटन ब्लैंकेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंकेट अपने बेबी के लिए लिया है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया क्लोथिंग सेक्शन। अब बात कर लेते हैं दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। तो जिसमें पहला है एक टीथर जो मैंने अपने बेबी के लिए लिया है, क्योंकि मेरा बेबी अभी 5.5 मंथ्स का है और उसके मसूड़े बन रहे हैं, तो इसलिए मैं एक टीथर हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। जब भी बेबी का मन हो तो आप उसको दे सकते हैं, ये बेबी अपने मुँह में ले जा सकता है। तो ये बेबी जब भी टीथर का यूज़ करते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा अच्छा फील होता है, इसलिए मैंने एक टीथर यहाँ पर लिया है। इसके बाद मैंने लिया है ये ममा अर्थ का इजी टमी रोल ऑन। ये जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट ममा अर्थ की तरफ से है। ये जब बेबी को गैस वगैरह हो जाती है तो इसमें ये बहुत हेल्प करता है। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं हींग एंड फेनल ऑयल, तो ये हींग और सौंफ का ऑयल यहाँ पर इसमें है, जो कि बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। बेबी को कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये आपको बेबी को खिलाना नहीं है, जस्ट बेबी के टमी के ऊपर आपको लगाना है, नेवल एरिया के अराउंड। तो उससे क्या होता है कि बेबी को अच्छे से गैस से रिलीफ मिल जाता है। मेरे बेबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं इसे यूज़ करके। तो ये कुछ आप देख सकते हैं, 249 रुपीज़ की बॉटल है और ये 40 ml इसकी क्वांटिटी है, जो कि एक अच्छा टाइम चल जाती है। और ये मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये बेबीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये इंडिया का पहला मेड सेफ ब्रांड है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सेफ़ प्रोडक्ट है। आप जस्ट बेबी की स्किन पर एक पैच टेस्ट करके देख सकते हो बेबी को कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है। और घर में अगर बेबी को गैस होती है तो हम नॉर्मली हींग का पानी अप्लाई करते हैं बेबी के नेवल एरिया पर, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हो तो उस केस में ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है, स्पेशली क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो वो कैसे भी बेबी को हार्म नहीं पहुंचाने वाला है। और ये इसीलिए मेरे जो डायपर बैग है उसमें रहता ही रहता है, क्योंकि मेरे बेबी को जनरली गैस वगैरह होती रहती है। तो आई मस्ट से आप इसको ज़रूर ट्राई करें एक बार। आप इसको 3 मंथ्स प्लस बेबीज को दे सकते हैं, और ये जो बॉटल है ये आपका अच्छा खासा चल जाती है। जैसा कि मैंने बताया, 249 की बॉटल ऑलमोस्ट आपका एक अच्छा टाइम दे जाएगी। और इसको आप नॉर्मली किसी भी केमिस्ट शॉप या फिर ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ चीज़ें जो मैं अपने डायपर बैग में हमेशा कैरी करती हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सभी तक पहुँच सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।